नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। आइए जानते हैं मधुबनी जिला की 5 बड़ी खबरें। बच्चों में रतौंधी, एनीमिया एवं अंधापन दूर करने की स्वास्थ्य विभाग की मुहिम जारी है। नगर पंचायत के आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 3 दिनों के अंदर पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्र संख्या 163 की सेविका बीना कुमारी ने बताया कि 9 माह से 12 माह के बच्चों को 1 ml और 12 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 ml दवा दी जानी है। CDPO कुमारी रेखा ने बताया कि नगर क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता नहीं रहने के कारण यह कार्य आंगनवाड़ी सेविका करती है। PHC चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश ने बताया कि नगर क्षेत्र के अलावा प्रखंड के सभी गांव में आशा द्वारा विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। लखनौर प्रखंड के हरबंगा गांव में बिजली ठीक करने वाले एक मजदूर की मौत करंट लगने से हो गई है। घटना बुधवार शाम की है। सूचना मिलते ही RS OP प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए लाश का पंचनामा करने में लगे हैं। श्री कुमार ने बताया कि मृत व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय मनीष कुमार शर्मा के रूप में हुई है। वे मधेपुरा जिला के शंकरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खाप टोला निवासी राम नंदन शर्मा का पुत्र था। विद्युतीकरण और तार बदलने के बिजली विभाग का कार्य करने वाले संवेदक द्वारा उक्त मजदूर को बुलाया गया था। फिलहाल संवेदक की लापरवाही या विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई मौत के कारण की पड़ताल की जा रही है। उचित कानूनी कार्रवाई के लिए अनुसंधान जारी है। शादी का झांसा देकर एक युवती का लगातार यौन शोषण करने के बाद शादी से मुकर जाने का एक मामला झंझारपुर थाना पहुंचा है। पीड़ित लड़की की मां थाना क्षेत्र के रहीकान गांव निवासी सफिया खातून ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें अपने ही ग्रामीण 18 वर्षीय मोहम्मद मुशरफ को नामजद किया है। दर्ज मामले में पीड़ित लड़की की मां ने कहा कि बीते 1 साल से शादी का झांसा देकर उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर मोहम्मद मुशरफ शारीरिक शोषण करता रहा। जब इसकी जानकारी मिली तो हम लोगों ने अपनी पुत्री की शादी कर दी। शादी के बाद भी मेरी पुत्री का पीछा नहीं छोड़ा और ससुराल जाकर बहला फुसला का संबंध कायम रखा। इस बात का पता लगने पर ससुराल वालों ने लड़की को मायके पहुंचा दिया और उस लड़की से पल्ला झाड़ लिया। शादी टूट गई। मजबूरन मोहम्मद मुशरफ के पिता मोहम्मद मुख्तार एवं माता मदीना खातून से शिकायत की गई है। पहले तो वे लोग मारपीट करने लगे, फिर पंचायत में हम लोग पहुंचे, ग्राम कचहरी गए, ग्राम कचहरी से शादी करने को कहा और लड़के को दोषी पाया। अब वे लड़का के साथ उसके माता पिता कचहरी के निर्देश को भी नहीं मान रहे हैं। SHO चंद्रमणि ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है। शादी तय हो जाने के बाद एक लड़की का फेक ID बनाकर उसे बदनाम करने की साजिश सामने आई है। लड़की के पिता नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 निवासी हैं। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पुत्री के नाम का फेक ID बनाकर गलत मैसेज भेजा जा रहा है। वहीं पुत्री की शादी 19 फरवरी को तय है। साजिशकर्ता शादी तय किए गए लोगों को फेक ID से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपमानजनक मैसेज दे रहा है, परिवार को बदनाम कर रहा है। इस साजिश में आवेदनकर्ता ने नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद सद्दाम पर शंका जाहिर की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोहम्मद सद्दाम की बहन सबनम को ब्यूटिशियन का कोर्स उनकी पुत्री द्वारा पढ़ाया जाता था। SHO चंद्रमणि ने कहा, IT विभाग द्वारा ट्रेस किया जा रहा है, आरोपी से भी पूछताछ होगी। भैरविस्थान थाना पुलिस ने 2 लोगों को शराब ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक धंधेबाज राम खेतारी के समीप अंद्राठारी थाना क्षेत्र के रजनपुरा गांव निवासी देवदयाल पासवान है। वह साइकिल से 7 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे धंधेबाज को हताट रूपोली निवासी चंदन कुमार महतो को 8 लीटर देसी शराब के साथ बाइक समेत गिरफ्तार किया गया है। थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि दोनों ही कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।